Assalamualaikum, this is Anam Tanoli from Maverix Digital. Viewers, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 साला मॉडल एंड फैशन डिज़ाइनर ने सुसाइड कमिट कर लिया और उनके एक करीबी दोस्त का कहना है कि उन्होंने सुसाइड जो है वो डिप्रेशन की वजह से कमिट की और डिप्रेशन उनको किस चीज़ का था, वो ये था कि लोग उनको जज करते थे उनके प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर और उनकी ड्रेसिंग के बेसिस के ऊपर. आइए हम लोगों से जानते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं कि किसी को जज करना चाहिए इन बेसिस के ऊपर या नहीं. देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करूँगा. बिलाशुबा ये एक नापसंदीदा अमल है, उनको ये नहीं करना चाहिए था. और जहाँ तक बात है उनके सोशल मीडिया से और रिलेटेड और उनके ड्रेस के हवाले से, तो जो पब्लिक फिगर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसकी अपनी लाइफ तो अपनी नहीं होती. तो आप कोई भी किसी भी किस्म की ड्रेसिंग करते हैं तो आप अपने लिए तो नहीं ना करते, लोगों को दिखाने के लिए करते. सो आपको किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए. और इंसान इतना कमज़ोर अल्लाह ने पैदा नहीं किया कि इंसान ये छोटी मोटी बातों से. अब देखें, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान चेंज करके रख दिया. बिल्कुल राइट जी. तो अब अगर सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी कंपेन चली और उस पर इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, तो मैं समझता हूँ उनको क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए था. और उस क्रिटिसिज्म को लेकर जो उनके ऊपर तनकीद हुई, उनको पॉजिटिवली लेकर अपने अंदर चेंज लेकर आते. अभी तो इंक्वायरी होनी है और वो कंप्लीट होनी है कि पता चलेगा सुसाइड था या कोई और प्रॉब्लम था. कुछ और भी हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ ऑनर किलिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. अभी तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायरी होनी है. अगर ये सुसाइड है तो इसकी वजह जो सोशल मीडिया पे बताई जा रही है कि उनको डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि इसकी एज बहुत कम है. हार्डली 10 ईयर्स इसकी एज है और किसी एक टेक्नोलॉजी की, पूरे माइंड सेट की, एक सिस्टम की 10 साल कुछ भी उम्र नहीं होती. कहने का मकसद ये है कि लोगों के हाथों में फेसबुक आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की अभी तक तमीज़ नहीं आई. पहली चीज़ तो मेरी हमदर्दी है उन लोगों के लिए जो लेफ्ट बिहाइंड पीपल हैं, उनकी लव फैमिली एंड एवरीवन एल्स. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो साइबर बुलिंग कर रहे हैं या डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लोगों के इंटरफेरेंसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी को अपनी जान लेनी पड़ी. जान अल्लाह ताला की नेमत है और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरों को इस हद तक क्रिटिसाइज ना करें और जो भी हमारी क्रिटिसिज्म हो वो कंस्ट्रक्टिव हो. और यहाँ पे लोग थोड़े से ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का रहने का अख्तियार है, वो अपनी जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहें उसको अपने ख्यालात और अपने जो उनके विजन है अपनी लाइफ के बारे में, उसके मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने का हक देना चाहिए. अगर किसी को किसी ड्रेस से या किसी तरह के प्रोफेशन से एतराज़ है तो वो आप वो काम खुद ना करें जो समझते हैं कि शायद गलत है, लेकिन दूसरों को अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन, एनीबडी गोइंग थ्रू डिप्रेशन, दे नीड टू गेट हेल्प. डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन, आप इसको हल कहें, इसको इलाज कहें, दे नीड टू टॉक टू समवन, दे नीड टू फाइंड फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स, दे नीड टू टॉक इट आउट. डिप्रेशन का सबसे बड़ा हल यही है. और जहाँ तक बात है कि उनको जज किया जा रहा था, उनको बुली किया जा रहा था, एज़ पर द करंट न्यूज़ दैट वॉज द रीज़न विच लेड टू हर सुसाइड, तो इसमें मेरा माइंड सेट ये है कि वी आर नो वन टू जज. हमारा कोई राइट नहीं है. हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन्स और हम लोग अपने कीबोर्ड्स को लेकर समझते हैं कि वी आर द गॉड्स आईज एंड ईयर्स ऑन द अर्थ. हम जिसको चाहें, जब मर्जी चाहें, उसकी ड्रेसिंग की बेस के ऊपर जज करें, उसके प्रोफेशन के बेस के ऊपर जज करें. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग. हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, हमारे साथ क्या होना चाहिए, होने जाने वाला है उसकी फिक्र करनी चाहिए, कि हम लोग किसी और को जज करें उसके रहन सहन पर, उसके ड्रेसिंग स्टाइल्स पर. इफ़ वी कैन नॉट से समथिंग गुड, आई थिंक वी शुड कीप क्वाइट. ये मैं आम आवाम को यही बोलूँगा. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अफसोसनाक अमल है, तो इस तरह का सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें. उसके बाद मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे कि इस तरह की चीज़ों को हमें इस तरह देखना चाहिए कि जब हमारे फैमिली में या हमारे बच्चे कोई प्रोफेशनल चूज़ करते हैं तो उनका माइंड मेकअप हमें इस तरह से करना चाहिए कि उस प्रोफेशनल के उनको क्या कॉन्सिक्वेंसी फेस करने पड़ सकते हैं. लेट्स से अगर वो मॉडलिंग करियर चूज़ कर रहे हैं या शोबिज़ की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि उनको जो फीडबैक मिलेगा वो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही मिले, वो नेगेटिव भी हो सकता है.
ایکچولی یہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک ابھی نارمز ہی بن چکی ہوئی ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریسنگ جو ہے وہ دیکھ کے لوگوں کی پھر ان کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ کس چیز پہ. اور سیکنڈلی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن کہ وہ مینٹلی اللی اسی وجہ سے تھیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی ڈریسنگ اور ان کا اسٹیٹس دیکھ کے جو ہے وہ اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور جبکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, جب آپ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو آبویسلی ان لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو شاید ان چیزوں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے جن کو آپ ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں, تو سو آپ اپنے ہمسایوں کا خیال کر کے چلیں گے تو وہ آبویسلی یہ چیزیں جو ہے وہ فیوچر میں آپ کو نہیں دیکھنا پڑیں گی. ویل آئی ڈونٹ تھنک سم ون شوڈ بی ججڈ آن دیئر فزیکل اپیئرنسز. دیٹس اے ویری بگ پرابلم دیٹ پریویلز ان آور سوسائٹی ایز ویل, کہ لوگ آج کل جو ہیں آپ کو آپ کی فزیکل اپیئرنس اور کپڑوں پہ اور کچھ ہیبٹس پہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے کیونکہ یو کینٹ جج اے بک بائی اٹس کور. سو آئی تھنک لوگوں کو ان کی لائف جینے دینی چاہیے اور ان پہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کم کرنی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں نیگیٹو امپیکٹ ان چیزوں کا کم آئے. جی ویورس, جیسا کہ آپ نے جانا کہ انم تنولی کی سوسائڈ کمیٹ کرنے کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے, ایک پبلک فگر ہوتی ہے, ایک سیلیبریٹی, اس کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں, لیکن اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اس کو دیکھنا بند کر دیں, کیونکہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, ہمیں ان کی روک تھام کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ.